हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हिमाचली डिश रेड़ू। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। रेड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, 1 पिंच हींग और 2 लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सब्जी मसाला या किचन किंग हो तो वो भी ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा धनिया पत्ती कटी हुई और 1 कप दही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालकर गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालते हैं, धनिया, हींग और लाल मिर्च। तो लाल मिर्च लाल होने देते हैं। लाल मिर्ची लाल हो गई है, अब हम इसमें फ्लेम कम कर देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसमें कड़ी पत्ता डाल देते हैं। अब हरी मिर्ची डालेंगे, धनिया, सब्जी मसाला डाल देंगे। आपके पास सब्जी मसाला है तो वो डालिए या फिर किचन किंग भी डाल सकते हैं। अब हम हल्दी डालेंगे, अब हम लाल मिर्च डालेंगे, आप लहसुन प्याज खाते हैं तो प्याज पहले भून लें उसके बाद से सारे मसाले भूनें। हमारा तड़का रेडी हो चुका है, अब हम दही को फेंट लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। दही उबलना नहीं चाहिए, दही उबलेगा तो फट जाएगा। लगातार चलाएंगे कि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। अब हम इसमें नमक मिला देंगे स्वादानुसार, इसे भी मिला देते हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती मिला देते हैं। हमारा रेड़ू तैयार हो गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी रेड़ू। आप इसे मक्की के रोटी के साथ, ज्वार की रोटी के साथ या पराठे के साथ एंजॉय करें। आप इसे ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।